हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमएलई स्टडी में। तो दोस्तों, आज की मेरे थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैंने डाल रखा है कि अपेक्षिकता सिद्धांत के अभिग्रहित, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कि पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक के सिद्धांत है। तो इसका पहला सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि पहला सिद्धांत यह कहता है कि प्रकृति के सभी नियम, यानी कि प्रकृति यानी जो फिजिक्स में सारे नियम जो भी चलते हैं, जो भी फिजिक्स के नियम चलते हैं, न्यूटन के नियम और जो भी बल के नियम, सभी जो नियम चलते हैं वो क्या है कि जड़त्वीय फ्रेमों में एक जैसे होते हैं। यानी कि प्रकृति में जितने भी सारे नियम, जितने भी आपने लॉज पढ़े हुए हैं, वो सारे नियम क्या होते हैं दोस्तों, जड़त्वीय फ्रेम यानी कि इनर्शियल फ्रेमों में सारे एक जैसे होते हैं। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले रखा है मैंने कि जैसे मेरे पास ये कोई इंसान है, ये एक इंसान किसी समतल जगह पर खड़ा हुआ है। क्या है दोस्तों, ये एक समतल जगह पर खड़ा हुआ है। इसके इसका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जड़त्वीय फ्रेम क्या होती है। वो सभी फ्रेम है जिसमें कोई भी पार्टिकल या कोई वस्तु की जो गति है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, यानी कि नियत होती है। तो उन सभी फ्रेमों को क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंसान अभी यहां पर इसकी रेस्ट पोजीशन में ये अभी स्थिर खड़ा हुआ है। तो इसका एक्सीलरेशन मैंने जीरो लिख रखा, यानी कि इसकी वेलोसिटी अभी इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये वाली बस है जो इसका एक्स एक्सिस ये, वाई ये और जेड है। तो इस बस के अंदर आप देख सकते हो कि दोस्तों ये बस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अगर गतिमान है तो क्या कह सकते हैं दोस्तों कि इसका भी एक्सीलरेशन जीरो होता है। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि ये भी जड़त्वीय फ्रेम है, ये भी जड़त्वीय फ्रेम है। तो दोस्तों, इन दोनों फ्रेमों में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों फ्रेमों में जो भी फिजिक्स के लॉ है वो हमेशा सेम होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपके पास बहुत सारी फ्रेम हो सकती है। जैसे कोई रेलगाड़ी में सफर कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गतिमान है तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है। मतलब वो सारी वस्तुएं जो कि किसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, तो उन सभी को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इनर्शियल फ्रेम वो सारी फ्रेमें होते हैं जिनमें किसी वस्तु, किसी पिंड का जो वेग होता है वो हमेशा नियत होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है कि प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय फ्रेमों में बराबर होता है, जो कि प्रेक्षक तथा स्रोत की गति से स्वतंत्र होता है। जो कि प्रेक्षक ये है, क्या लिख रखा मैंने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस बोल देते हैं कि प्रकाश का वेग सभी जड़त्वीय फ्रेमों में बराबर होता है, जो कि प्रेक्षक तथा स्रोत की गति से स्वतंत्र होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे ये मैंने टॉर्च ले रखी, ये टॉर्च ले रखी है जिसको कोई इंसान लेके दौड़ रहा है, वी वेलोसिटी जो कि इसकी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से उसे इस टॉर्च को लेकर दौड़ रहा है, और यहां पर एक मैंने रेस्ट पोजीशन में इसकी वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो है। तो यहां पर मैंने एक टॉर्च रख रखी है, तो अगर हम देखेंगे इन दोनों टॉर्चों से जो लाइट निकल रही है उस लाइट की वेलोसिटी सेम होगी। या आप इसमें भी देख लो या फिर इसमें देख लो, दोनों में उस टॉर्च के लाइट की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस इसका रिवाइज कर लेते हैं क्विक, कि प्रकृति के सभी नियम सभी जड़त्वीय फ्रेमों में, जो भी सारी इनिशियल फ्रेम है उनमें फिजिक्स के सारे नियम क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश का वेग भी सभी जड़त्वीय फ्रेमों में समान होता है। आप कहीं पे भी चले जाओ वहां पर समान होगा। अगर आप दौड़ रहे हो टॉर्च लेके और आपका कोई फ्रेंड उस टॉर्च को लेकर खड़ा हुआ, तो भी जो उस टॉर्च से जो लाइट निकल रही है उसकी वेलोसिटी या उसका वेग हमेशा नियत रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय दोस्तों।